So hi, welcome to all of you to beginner to master UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको daily live classes, structured course, live test, unlimited access, बहुत सारी awesome videos का. Unacademy provide करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो आपके ड्रीम UPSC को ट्रू करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपकी. अब हम बात करते हैं Unacademy subscriptions की. So अगर आप 2 साल का subscription लेते हैं यानी 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो जिसकी कॉस्ट 64,000 है, आलोक YT कोड इस्तेमाल करने के बाद उसमें आपको डिस्काउंट मिलने के बाद वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का. सो प्लीज़ आलोक YT कोड इस्तेमाल कीजिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस को ज्वाइन कीजिए जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स इन करंट अफेयर एंड GS. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना 2 और 3 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन के आते हैं हमारे, ठीक है. सो कल की वीडियो जो आनी थी वो नहीं आई, 2 दिन की एक साथ वीडियो आई है, तो बीच बीच में कभी आपकी वीडियोस एक साथ आएगी क्योंकि किसी दिन होता है कि बहुत कोई क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, न्यूज़ भी कोई ज़्यादा नहीं होती तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते. और आम बात है उसमें रिविजन वाले क्वेश्चंस तो कराए जा सकते हैं, बट रिवीजन वाले क्वेश्चन तो मैं लगातार ऐसे भी रेगुलर तरीके से ही कराता हूँ, तो इसलिए ये 2 दिन की न्यूज़ एक साथ ही मर्ज करके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उसे हमने आज किया है, ठीक है. तो चलिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए आप कि जो ओस्लो अकॉर्ड है बिटवीन इसराइल गवर्नमेंट एंड, ये किसके बीच में, किन 2 गवर्नमेंट के बीच में है, इसराइल की गवर्नमेंट और किसके बीच में है. सेकेंड ऑप्शन विल बी योर फलस्तीन, किसके, फलस्तीन के, ठीक है. सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर. तो ओस्लो अकॉर्ड किसके बीच में है, इसराइल और फलस्तीन के बीच में, ठीक है. 1990s के समय आया था, ठीक है. और किससे रिलेटेड है, वेस्ट बैंक से रिलेटेड है. हमें रिसेंटली पता ही है कि इसराइल क्या करने जा रहा है, वेस्ट बैंक पे एनेक्सेशन करने की बात कर रहा है, ठीक है. और इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसराइल को कौन सी 2 कंट्रीज के से सराउंड किया हुआ है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए. करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB हैज लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड एक्सेलरेट विज्ञान अभ्यास, इसका जो एक पोर्टल है, अभ्यास इन एन अटेम्प्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कंट्री बाय इनेबलिंग द ग्रूमिंग पोटेंशियल PG एंड PhD स्टूडेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट टाइम मिशन सामूहन एम्स टू एनकरेज एग्रीगेट एंड कंसॉलिडेट ऑल साइंटिफिक इंट्रैक्शंस इन द कंट्री अंडर 1 कॉमन रूफ. तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है. किससे रिलेटेड है, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम जो आई है गवर्नमेंट की, ठीक है, उससे रिलेटेड है. तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे कई तरीके से सही निकलते हैं, ऑल ऑफ द अबव निकलते हैं, ठीक है, इन सब में. तो ऑल ऑफ द अबव आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है. तो इसे लॉन्च किया गया है किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, बिग पुश देने के लिए, ठीक है. तो इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है अभ्यास जो PG और PhD स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरा है समूहन जिसमें क्या किया जाएगा, ये बिगनिंग है इसकी, जिसमें कंसोलिडेट किया जाएगा सारे साइंटिफिक इंट्रैक्शंस जितनी भी हैं कंट्री की, उन्हें एक कॉमन रूफ के अंडर, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, बाहुता यात्रा कहाँ पे होती है, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र या तमिलनाडु. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका किसका बन गया, आर्ट एंड कल्चर का बन गया, ठीक है. तो आर्ट एंड कल्चर में से पूछा जाएगा, आपको लगेगा कि ये आर्ट एंड कल्चर का है बट ये है करंट अफेयर में हुआ है, तो इसलिए इस तरीके से चीज़ें आपस में मर्ज करके समझते हुए चलते रहिए, ठीक है. तो बाहुता यात्रा कहाँ पे हुई है, कहाँ पे होती है आपकी, ये हुई है उड़ीसा, कहाँ पे, उड़ीसा, ठीक है. करेक्ट आंसर विल बी ए, बाहुता यात्रा उड़ीसा. तो लॉर्ड जगन्नाथ जब वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, कहाँ पे, जब शुरुआत में जब निकलती है पूरी रथ यात्रा, जब वापस आ रहे होते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, बाहुदा यात्रा, रिटर्न फ्रॉम हिज आंट पैलेस, क्या नाम है, गुडिचा टेम्पल टू जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, कहाँ पे होती है, उड़ीसा में होती है. तो ये भी कहाँ पे होगी, उड़ीसा में होगी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रिसेंटली इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्या इंक्रीज देखने को मिला है, तो उसके कारण क्या है. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसेंटली ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल हो गए तो इनमें से कौन सा इसका रीज़न है, रिसेंटली गोल्ड के प्राइसेस हाई हो गए तो इसका कौन सा रीज़न है. उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसके कौन से रीज़न है जिसके कारण ये
एकदम से सर्च पे आया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, इंडिया में वापस री इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा, जो ऑयल के जो दाम है पूरी दुनिया में वो कम हुए हैं, जिससे इंडिया का ऑयल इंपोर्ट का जो बिल है वो भी काफी कम हुआ है। तो बोथ ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे पॉइंट आपको समझना होगा, इन दो चीजों की वजह से ये हुआ है। ठीक है, अब क्यों फॉरेन रिजर्व की जरूरत होती है, ताकि हम इंपोर्ट कर सकें। मिनिमम ये सोचा जाता है 6 महीने का तो होना चाहिए, बट अब इतना बढ़ गया कि हम 12 महीने तक अपने सारे इंपोर्ट को निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 कौन रिलीज करता है, यूएनएससी, डब्ल्यूटीओ, यूएनएफपीए या आईएमएफ। ठीक है, तो रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है, और इसे कौन रिलीज करता है, इसे रिलीज करता है आपका ना तो यूनाइटेड नेशन ये, ना तो ये, ना तो ये, कौन करता है, यूएनएफपीए। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन है आपके पास, और आपको बताना है इसमें से, तीन ऑप्शन है और आपको बताना है आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका। तो पहला है, रिपोर्ट ये कहता है कि 2014 की स्टडी के हिसाब से इंडिया में हाईएस्ट रेट है, ठीक है, फीमेल डेथ्स का। ठीक है, तो ये वाली बात कहता है, और ये बात इसमें एकदम सही है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं पे भी कोट कर सकते हैं मेंस में भी इस पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए ये वाला एकदम सही है। ठीक है, टाइमर चला ही देते, टाइमर चला नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, यहाँ पे फीमेल की जो मोर्टैलिटी है गर्ल्स की, वो बिलो 5 ईयर जो है वो अंडर 3% है। ये भी इसका सही पॉइंट है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन हैज मोर देन डबल्ड ओवर द पास्ट ईयर, पास्ट 50 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वुमेन से रिलेटेड था, सेक्स रेशियो से रिलेटेड था, फीमेल इन्फेंटिसाइड से रिलेटेड था, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यूएनएफपीए ने इसको निकाला है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या है, 5 ईयर से एज के नीचे 3% की जो बच्चे हैं उनकी डेथ होने की पूरी दिखाई है, मॉर्टेलिटी दिखाई है। ठीक है, इसमें इंडिया को कहा है हाईएस्ट रेट है, ठीक है, एक्सेस फीमेल डेथ का। ठीक है, फिर उसके बाद तकरीबन 13% का 1000 फीमेल बर्थ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका मोटो क्या है, एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, हर प्रेगनेंसी को बचाने का ही इनका काम है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखने थे। चलिए नेक्स्ट है, मार्सुपियल थ्योरी जो है वो किस क्लाइमेटिक फिनोमिना से रिलेटेड है, मार्सुपियल थ्योरी। तो पहला हीट वेव, दूसरा मानसून वेरिएबिलिटी, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, या तीसरा लास्ट आपका थंडरस्टॉर्म, इनमें से किससे रिलेटेड है। तो देखा जाए तो किससे है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये सब आपको स्टैटिक बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे, मार्सुपियल थ्योरी ये सब आप कहीं एनसीईआरटी या किसी भी बुक में नहीं पाएंगे, ये सब आपको करंट से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन बढ़ती जा रही है, और इसी में हमें समझना है रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लो हो जाएगा, विंड स्पीड की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी 24 आवर पीरियड में, और बहुत ज़्यादा हार्ड साइक्लोन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, वेरोसिटी या फिर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना सरफेस पे, लो प्रेशर हो जाना ही एक कारण होता है जिसके कारण साइक्लोन आपका बनता है। नेक्स्ट टेम्परेचर जो होता है ओशन वाटर का, वो ज़्यादा गर्म हो जाना। ठीक है, वर्टिकल एयर जो मूवमेंट है वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और ह्यूमिडिटी ये भी एक इसमें फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, इसके ऊपर आपसे फैक्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो नेक्स्ट आगे जब भी हम अभी आगे जब तक हमारी सीरीज ऐसे चलती रहती है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आगे चल के मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आगे बढ़ बढ़ के मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मिडल जूलियन ऑसिलेशन जो है ये क्या करता है, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा मतलब पावरफुल रहता है, ट्रॉपिक्स में पावरफुल रहता है, और कब, अक्टूबर से अप्रैल के टाइम में, और ये क्या करता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन से ईस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ लेके जाता है, किनको, इन साइक्लोन्स को लेके जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये सीड करता है किसका, रोटेशनल लो प्रेशर का, जिसके कारण साइक्लोन्स बनने की कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने होंगे, किसके,
MJOK, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है मार्सुपियल थ्योरी, बस इतना पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन से रिलेटेड है, ध्यान रखना बर्थ से है केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आता है, कुल दिवस जो मनाया जाता है 30 जून को, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश, तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, झारखंड में, कहाँ मनाया जाता है, झारखंड, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आफ्टर संथाल अपराइजिंग व्हाट वर द मेजर टेकन बाय कॉलोनियन गवर्नमेंट, तो कॉलोनियन गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए थे, तो पहला संथाल, उन्होंने एक टेरिटरी बनाई संथाल परगना, दूसरा जो बिकम इलीगल और इसे इलीगल बना दिया कि संथाल अपनी लैंड किसी नॉन संथाली को नहीं बेच सकते, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये आ गया आपका हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, दोनों पॉइंट्स हिस्ट्री के आ गए, ठीक है। चलिए तो सी विल बी योर करेक्ट। तो अभी क्या हुआ है, देखिए जो ये हुल वाला जो ये इनका फंक्शन था ये अभी लेट हो गया, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये किसमें आया, कोविड के कारण, तो ये न्यूज़ में आया, ठीक है, 30 जून को बनाया जाता है, ठीक है। अब बात है सिद्धू और कानू क्या थे, इसके लीडर थे संथाल रिबेलियन के, कब हुआ था, 1855 में हुआ था, ठीक है, और जो भी आउटसाइडर थे उन्हें क्या कहा जाता था, दिकू कहा जाता था, ठीक है, दुख देने वाले, ठीक, तो इसलिए कानू को अरेस्ट कर लिया गया था 1866 में, ठीक है, और इसके बाद सेपरेट संथाल परगना बना दिया गया था और ये इलीगल कर दिया गया था कि संथाल अपनी लैंड किसी और को नॉन संथाली को नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी किन किन पे लेविड होती है, किन किन के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो पहला है सभी तरीके के म्यूचुअल फंड्स, हर तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन, ऑल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग शेयर डिपेंचर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट और कमोडिटीज, इन सब में लागू होती है। तो आपको बताना है स्टैम्प ड्यूटी किस किस पे लगती है इनमें से, ठीक है। तो चलिए ऑल म्यूचुअल फंड पे लगती है कि नहीं लगती, रिसेंटली गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड्स को डाल दिया है, ठीक है, जिन पे स्टैम्प ड्यूटी आएगी, बट ऑल पे नहीं लगते। ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इन पे नहीं लगेगा स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, तो ये वाला खत्म, तो सेकंड और थर्ड सही, मतलब आपका ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी फाइनेंस एक्ट 2019 में चेंज लाया गया है, ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट के थ्रू, ठीक है, और इसमें क्या किया, म्यूचुअल फंड्स को ऐड कर दिया गया और उनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी कौन लगाता है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, बट ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट स्टैम्प ड्यूटी लगा सकती है कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब ये अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, इसलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट अलग अलग चार्जेस होंगे, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या किया है, ये एक्ट लेके आए जिसमें स्टैम्प ड्यूटी जो है इनके ऊपर एक जैसी लगे, ठीक है। अब बात है कि ये म्यूचुअल फंड्स को तो लाया गया है, ठीक है, बट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कितना लगाया जाएगा, देखिए 0.005% लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिवाय किसको छोड़ के, ETF को छोड़ के, ETF क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के जो फंड्स मिला के किसी भी एक्सचेंज पे बेचे जाते हैं शेयर्स, उसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उनको इसके लिए बाहर रखा गया, वो भी म्यूचुअल फंड होते हैं, तो इसलिए ध्यान इस पॉइंट को रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी किन पे लगती है, तो सब पे लगती है, शेयर डिबेंचर्स कमोडिटी सब पे लगेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो केवल ओवरनाइट के लिए करते हैं उनके लिए दिक्कत होगी, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो पिछले साल देश में 188 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ टोटल का टोटल, और अगर 0.095 इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगा दी जाती है तो गवर्नमेंट तकरीबन 940 करोड़ रुपए कमा लेगी, ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G4 फ्लू जो है अभी ये न्यूज़ में है, तो ये किससे हुआ है, किससे फैल रहा है ये, ठीक है, किस जानवर से, तो आज से तो आप लोग जानते ही हैं कि ये सारे वायरस कौन देता है, आपका प्यारा चाइना, ठीक है, तो वहाँ पे फिर से एक नया वायरस देखने को फ्लू देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये किससे निकल रहा है, बैट पिग बर्ड्स नहीं, किससे, पिग से, ठीक है। चलो तो पिग से चाइना, वहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ पता किया, इन्फ्लुएंजा वायरस वापस आ रहा है, पेंडेमिक बन सकता है, ठीक है, चाइनीज पिग से ये निकला हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन पर हो पाएगा, सेम जैसे कोविड है सेम उसी तरीके से ये भी काम कर सकता है, ठीक है, तो पहले की वैक्सीन अभी आई नहीं, दूसरे की बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए अब गालोबा एंड्रोसोनी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कहता है कि ये IUCN के स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इसे रीडिस्कवर किया गया है सिक्किम हिमालयाज में नियर तिस्ता रिवर वैली रीजन, ठीक है,
आफ्टर 136 ईयर। ठीक है, तो अब आप ये बोलो कि एकदम 136 एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, नहीं ये सब स्टेटमेंट ऐसे तकरीबन सही रहती है। अब इसको 1000 साल कर देगा तब दिक्कत है, ठीक है, तब जाके प्रॉब्लम होती है, वरना इतनी कोई इश्यू इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है, सी विल बी बोथ विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसे वापस रीडिस्कवर किया गया है, इसको कहाँ पे, हिमालय में पेड़ होता है एक तरीके का, तिस्ता रिवर में क्रिटिकली एंडेंजर दिया है, बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, स्वान फ्लावर, डांसिंग लेडीज और बहुत कुछ इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नामधप्पा नेशनल पार्क के बारे में आप, ठीक, चलिए तो फाइंड द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग नामधप्पा नेशनल पार्क। तो इसमें ये कह रहा है इट लाइज एट द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन स्टेट ऑफ आसाम। दूसरा कह रहा है इट इज वन पार्क ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव फोर फैलियन स्पीशीज ऑफ बिग कैट, मतलब चारों तरीके के जो शेर हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलो गिबॉन द ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया इज फाउंड इन दिस नेशनल पार्क। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको नामधप्पा नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखने हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे ही कुछ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जिनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो आपको ध्यान रखने होते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ करके किसी दूसरे में इसे स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा। इस वाली स्टेटमेंट को कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और इन दोनों को स्टेटमेंट को यूज़ करके दूसरे में डाल देगा। बट अगर आपको पता है कि नामधप्पा की एक क्या नाम है चीज़ें हैं तो नामधप्पा से रिलेटेड है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार बॉर्डर पे है, तो नेपाल नहीं म्यांमार बॉर्डर है और ये अरुणाचल प्रदेश में, तो फर्स्ट गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 2 और 3। ठीक है, चलिए तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अभी दो स्पीसीज मिली है किसकी, बटरफ्लाई की, बहुत सारी मिलती रहती है यहाँ पे, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है, तो स्ट्रिप हेयर स्ट्रिक मिली है और इलूसिव प्रिंस मिली है, ये दो मिली है। तो आपको बस इतना, अगर नाम पूछता है कि स्ट्रिप हेयर स्ट्रिक कहाँ मिली है और ये कहाँ मिली है, तो कहाँ मिली है, नामधप्पा नेशनल पार्क में ही मिली है, अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार के बॉर्डर पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इससे आंध्र प्रदेश की क्या पता चलती है, रिच बायोडाइवर्सिटी पता चलती है। ठीक है, तो नामधप्पा नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं, म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड है, मतलब लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फोर फैलियन स्पीशीज जो है यहाँ पे मिलती है, टाइगर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, और हेलो गबॉन भी यहाँ पे ही मिलता है इंडिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको नामधप्पा नेशनल पार्क से ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कब होता है, 1 मई, 2 अगस्त, 1 जुलाई, 30 जून। ठीक है, तो ये होता है 1 जुलाई को, कब होता है, 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट होता है आपका डॉक्टर्स डे, किनकी याद में, डॉक्टर विधान चंद्र के यादगार में। ठीक है, कम 1991 से इससे स्टार्ट किया गया था। ठीक, और क्या थे ये, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, महात्मा गांधी के दोस्त और डॉक्टर थे, भारत रत्न मिल चुका है इन्हें 1961 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग एक्स जो हर साल होता है लंदन में, ये इवेंट किस चीज़ का लार्जेस्ट इवेंट है। ठीक है, हेल्थ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डिफेंस का, या आर्ट का। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली अभी कुछ किया है, अच्छा यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इंडिया के लिए, तो इसलिए आपको इसका जवाब देना है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवेंट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्पलाइन को इसमें क्या नाम है, अवार्ड मिला है बेस्ट इनोवेशन कैटेगरी में, पीपल चॉइस अवार्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, पहले हम कर चुके पूरा का पूरा, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब, ग्लोबा एंड्रोसोनी के बारे में। ठीक है, आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इसे। तो पहला ऑप्शन है, ये क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड नैरोली एंडेमिक। ठीक है, बढ़िया बात है, ये स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड है तिस्ता रिवर वैली में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पता है हम लोगों को, मालूम है, चलो अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट है, द प्लांट यूजली ग्रो इन डेंस कॉलोनी एज अ लिथोफाइट ऑन द रॉकी स्लोप्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो हैं, ये तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, डी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इसे हम पहले भी कर चुके हैं, अब इसे सॉल्व कीजिए, कि वी जी कनान कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है, किस इशू को देखेगी, हम पहले भी कर चुके हैं इसे, बैंक्रप्सी कोर्ट से करेगी, सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशन स्टेटस ऑफ मुस्लिम देखेगी, एटीएम चार्जेस को देखेगी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या देखेगी इसमें से, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन भी जो होते हैं
आते हैं, बट अगर पता हो तो सिंपल है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एटीएम चार्जेस को देखेगी, हम लोग पहले ही इसे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1999 अभी जस्ट हमने करके खत्म किया है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है स्टैम्प ड्यूटीज आर लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दीज रेट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हम लोगों ने कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन एनी ट्रांजेक्शन, बट हम लोगों ने ये किया कि वो लगा सकता है कुछ के ऊपर, तो ओनली ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होगा, ओनली वन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट में है, ठीक है, इंडिया इज ग्लोबली, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, SLS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। इंडिया इज ग्लोबली द फर्स्ट कंट्री वेयर द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ SLS ऑन TV, ठीक है, एंड स्ट्रीमिंग कंटेंट इज बीइंग एडवांस्ड फॉर मास रीडिंग लिटरेसी, ठीक है। SLS का मतलब होता है कि जो भी आपकी जो TV पे कंटेंट चल रहा है, कहीं पे भी कंटेंट चल रहा है, उसके नीचे उसकी क्या आती रहे, क्या कहते हैं उसे, टाइटल्स आते रहे, ठीक है, तो उसे कहते हैं SLS। नेक्स्ट है द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SLS ऑन एग्जिस्टिंग जनरल एंटरटेनमेंट कंटेंट, जो जनरल कंटेंट है ऑन TV एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑल्सो नोन एज ओवर द टॉप। तो ओवर द टॉप का मतलब क्या है, उसके ऊपर दिख रहा है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, सिंपल से पॉइंट है, ऐसा जितना ज़्यादा खास नहीं है, बट ठीक है, आपको कम से कम ध्यान रखना है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो चलिए जो हमारा GS का जो पोर्शन था, ठीक, GS का जो डेली का हमारा MCQ है, ठीक है, 2 और 3 तारीख का, ये हमने आज खत्म कर लिया, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थी हमने सब कुछ खत्म कर ली, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे अपने स्टैटिक के पोर्शन में, ठीक, तो स्टैटिक के पोर्शन में जो हम लोग अभी पॉलिटिक कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि 5 जुलाई को स्पेशल क्लास है, ठीक है, आप लोगों की, तो स्पेशल क्लास में आप देखिए सबसे पहले जो आपकी क्लास होगी वो इंडियन पॉलिटी थ्रू MCQ Part 1 होगी। तो हमने जो भी अभी तक पॉलिटी में अपना जो भी अभी तक खत्म किया है, ठीक है, तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उन सभी चैप्टर्स को लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ लीजिए, हम उससे रिलेटेड सारे MCQ करेंगे, ठीक है, सारे ये लाइव होंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इसे एग्जाम के रिस्पेक्टिव में कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिए, प्रीएम्बल मेन, हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को खत्म कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल हो गया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर उसके बाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, और हमारा कुछ बचा, बस इतना ही, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं, तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियोस इनको देखना देख लीजिए, इसमें सारी वीडियो हर एक सीरीज़ के बाद ख़त्म हो रहा है, तो इसे ख़त्म कर लेने के बाद अब जो ये इस तारीख को 7 AM आप टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम नोट कर लीजिएगा, 7 बजे सुबह ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है, और इसमें हम लोग कम से कम 350+ MCQ करेंगे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप पहले से ये चैप्टर्स पढ़ के खत्म करके रखेंगे तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को करके आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स की, कि यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जून 2020 का जितना भी करंट अफेयर हुआ है हमारा, ठीक है, जितना भी जून का हम लोगों ने अभी तक करंट अफेयर किया है, उसे हम पूरा MCQ का वापस MCQ के थ्रू रिवाइज करेंगे, ठीक है, और ये सेशन जो होगा आपका, ये आपका होगा 10 बजे, ठीक है, 10:30 बजे, सॉरी, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस सेशन में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सारे MCQ के थ्रू हम मेन पॉइंट्स को सारा याद करेंगे और वापस पूरा रिवाइज करेंगे, और लास्ट में रात में, ठीक है, जैसे आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना सिटीजनशिप का चैप्टर, ठीक है, तो उसी दिन 5 तारीख को आपकी रात में जो क्लास होगी यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव की, ये होगी आपकी 10 बजे, ठीक है, 10 PM को होगी, ठीक है, तो उस दिन हम यूनियन ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस कोर्स के साथ चलते रहेंगे तो देख रहे हैं आपका करंट अफेयर भी होता रहेगा, करंट अफेयर रिवाइज भी होता रहेगा, पॉलिटी के MCQ भी होते रहेंगे, और आगे का भी चैप्टर आपका लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस कोर्स के साथ ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन सही से कर सकें, ठीक है। तो चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, तीनों की टाइमिंग ध्यान रखिएगा, और अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप रिलैक्सेशन स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, तो उस चैनल पे आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है
वो हम जो अपना करेंगे वो करेंगे हम अपना सिटीजनशिप का चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे, बट अब पूछे जाने के चांसेस हैं क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली गई हैं, ठीक है। तो उसका इशू बहुत लंबा चौड़ा चला है, तो वो आपका प्री और मेंस दोनों में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, एक मिनट, दैट इज सिटीजनशिप ओके पार्ट टू फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक हमारे सारे आर्टिकल हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखिए चैप्टर थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे आपने यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा, बड़ा सिंपल सा सीधा सा था, 4 आर्टिकल से बड़े मजे में समझ में आ गए, कोई टेंशन नहीं हुई। बट ये चैप्टर में ऐसी चीज़ें हैं टेढ़ी मेढ़ी घुमा के जो आपको परेशान करेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। आप प्लीज़ लक्ष्मीकांत से इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके भी रिलेटेड एमसीक्यू, जब हमारा यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज, जब ये 5 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे तब हम इसकी भी एमसीक्यू सीरीज करेंगे, ठीक है, एक ही। तो प्लीज़ आप लोग इसे पहले कर लीजिए खत्म, ठीक है। जो हमारा जो भी सुबह मॉर्निंग में 7 PM जो 7 AM जो हमारा एमसीक्यू की सीरीज होगी, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप देखिए, सिटीजन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है एक सिटीजन जिन्हें हम फ्रेंडली सिटीजन कहते हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज के जिसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, और दूसरे होते हैं एनिमी, ठीक है, एनिमी कंट्री के। तो जो भी एनिमी कंट्री के सिटीजन होते हैं वो जो भारत में आते हैं, देखिए जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट क्वेश्चन है पॉलिटी में, ठीक है। तो जो एनिमी सिटीजन होते हैं अदर कंट्रीज के, जिनसे भारत के रिलेशन अच्छे नहीं होते, उन्हें आर्टिकल 22 के अंडर, ठीक है, अभी आ गया फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, बट हम समझ लेंगे कि हाँ आर्टिकल 22 कहता क्या है भाई। आर्टिकल 22 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल होगी, तो फ्रेंडली सिटीजनशिप को अवेलेबल होगी और एनिमी सिटीजन को अवेलेबल नहीं होगी प्रोटेक्शन, किसके अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर। और आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट कर लेना, जेल में डाल देना, और डिटेंशन यानी किसी घर में घरबंदी कर देना, ठीक है, कहते हैं ना घर में बंद कर रखा है उसे, ठीक। तो हम समझ गए सिटीजन 2 तरीके के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एलियन होते हैं, क्या नाम है, फ्रेंडली होते हैं, एनिमी होते हैं, ठीक है। फ्रेंडली मतलब जिन्हें हम पूरी छूट दे देते हैं, मतलब उन पे आर्टिकल 22 लागू होता है, एनिमी जिन पे आर्टिकल 22 लागू नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिटीजन्स के, जो होते हैं इंडिया के जो सिटीजन होंगे उनके कुछ राइट्स होंगे और उनकी कुछ ड्यूटीज होंगी, उनके कुछ प्रिविलेजेस होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम समझते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं इंडियन सिटीजन के। आर्टिकल 15 में उसे राइट अवेलेबल होगा, आर्टिकल 16 का राइट अवेलेबल होगा, आर्टिकल 19 का राइट अवेलेबल होगा, आर्टिकल 29 का राइट अवेलेबल होगा, आर्टिकल 30 जो है उसका राइट अवेलेबल है, वोटिंग का राइट अवेलेबल है, इलेक्शन का राइट अवेलेबल है, और कोई भी पब्लिक प्लेस को होल्ड करना, मतलब पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना, इसका भी राइट है। अब आप बोलोगे जो ये आपने आर्टिकल बोले, ठीक है, क्या मुझे ये याद रखने हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि किन किन आर्टिकल्स क्या आप इंडियन सिटीजन को राइट मिला हुआ है, मतलब सिटीजन को है और फॉरेनर को नहीं है वो, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। आम बात है सिटीजन है तो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभानी होगी, तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी जिम्मेदारी है, केवल जो सिटीजन है इंडिया का, विदेशियों की जिम्मेदारी नहीं होती ड्यूटीज निभाने की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि इंडिया में कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है अगर वो इंडियन सिटीजन है। अब वो सिटीजनशिप जो है उसकी, भले उसे बाय बर्थ मिली हो यानी वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर वो सिटीजनशिप उसे नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरीके से मिली हो, बट उसे प्रेसिडेंट बनने की चांसेस हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ऑफिस के लिए खड़ा हो सकता है। बट US में ऐसा नहीं है, US में केवल कोई बंदा तभी प्रेसिडेंट बन सकता है जब वहाँ का वो सिटीजन है बाय बर्थ, ठीक है। तो अगर आप अभी यहाँ पे गए इंडियन सिटीजन हैं आप और जाके US में सिटीजनशिप ले लेते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई भी खास तरीके से, पूरे एलोबरेटेड तरीके से नहीं बताया गया है कि
कौन होगा परमानेंट सिटीजन, कौन होगा इंडिया का, कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, किस तरीके से सिटीजनशिप खत्म की जाएगी, ठीक है। तो कोई इलेबोरेटेड प्रोविजंस मौजूद नहीं है किससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन चीज बताता है, बस वो ये बताता है कि भाई कौन कौन होगा भारतीय नागरिक, कौन होगा इंडियन सिटीजनशिप, किसके पास होगी, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग बताइए कब हुआ था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंसमेंट यानी एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950। तो बस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तारीख को देखता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन बंदा भारतीय है, ठीक है, इंडियन है, ठीक है, बस ये बात बताता है और कुछ बात नहीं बताता है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्विजिशन और टर्मिनेशन का कुछ नहीं मेंशन है। एक्विजिशन और टर्मिनेशन की सारी चीजें उसने किसके हाथ में छोड़ दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दी, ठीक है। तो अगर एक्विजिशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड कि किसको भारतीय नागरिकता मिलेगी और किसकी भारतीय नागरिकता जा सकती है, किसकी खत्म की जा सकती है, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ध्यान रखना है आपको कौन सा एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये किससे डील करेगा? आम बात है, 26 जनवरी 1950 के बाद के सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे प्रोविजंस की बात कौन करेगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब वो चाहे एक्विजिशन हो या फिर टर्मिनेशन हो, किसकी? सिटीजनशिप की, नागरिकता की, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक पॉइंट थे, समझ लिए हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो चार तरीके से डिवाइड करता है सिटीजनशिप को। कब? 26 जनवरी 1950 को चार तरीके से बताता है कि कौन कौन होंगे भारतीय नागरिक, और वही क्या है आपके आर्टिकल्स में तोड़ दिए गए हैं। तो पहला आता है आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल नंबर 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ तो उस समय कौन कौन बंधु भारतीय नागरिक होगा, ठीक है, तो इसके बारे में उसने कहा। तब इसके लिए उसने कुछ कंडीशन बताई, आम बात है हर एक के लिए उसने कंडीशन बताई। तो कंडीशन ये बताई कि भाई उसके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल वो भारत में रहना चाहिए, और इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करे। मतलब क्या हो? डोमिसाइल हो। आपको ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछते, ठीक। प्लस एनी वन कंडीशन फुलफिल करे, ठीक है, बट पढ़ लीजिएगा फिर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। किस्मत कभी कभी बहुत ज़्यादा फूटी होती है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दिमाग खराब हो जाए, तो इसलिए मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डोमिसाइल हो और कोई एक कंडीशन फुलफिल करे। तो एक कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल करे? या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है, या तो उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, और वो भारत में 5 साल से रह रहा हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डोमिसाइल है, तो वो क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है आर्टिकल 5। अब बात करते हैं आर्टिकल 6। तो अगर कुछ ध्यान रहे ना रहे तो बस इतना ध्यान रखना, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन बात करता है? आर्टिकल नंबर 5। अब आर्टिकल नंबर 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो ऐसे लोगों की सिटीजनशिप के राइट जो क्या हुए, पाकिस्तान से भारत आए, तो उनके सिटीजनशिप के राइट क्या हैं? तो देखिए इसके लिए आपको कुछ डेट्स ध्यान रखनी पड़ेंगी और यही डेट्स दुखी करेंगी। आपको डेट ध्यान रखनी पड़ेगी 1 जुलाई 1948 19 जुलाई
1948, ये आपको डेट ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ध्यान रहना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं रह पाती है, और नहीं भी रखोगे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आपसे सिटीजनशिप से रिलेटेड केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो राइट टू सिटीजनशिप जो है, अगर कोई माइग्रेंट है कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया आया, तो उसके लिए क्या क्या राइट है। तो अगर वो 1 जुलाई 1948 से पहले आया और भारत में रह रहा है, ठीक है, तो वो भारतीय नागरिक है, ठीक है, नो टेंशन। बट अगर 1 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, ठीक है, तब टेंशन है, उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और वो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीने भारत में रह चुका हो, मतलब जब 6 महीने भारत में रह ले तब वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसे एक तरीके से एलिजिबिलिटी समझिए कि भाई यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, 6 महीने रह ले तब तू फॉर्म भर पाएगा, ठीक है, तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो ये है क्या आपका क्राइटेरिया किसके लिए, राइट टू सिटीजनशिप हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला आपका खत्म होता आर्टिकल नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 7 कि आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि बंधु भैया, अगर आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि जो लोग पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए तो उनके क्या राइट्स होंगे सिटीजनशिप के, तो इसमें वो ये कहता है, फिर से एक तारीख देता है कि अगर 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान जा गए थे, ठीक है, पाकिस्तान गए और उसके बाद क्या हुआ, इस तारीख के बाद आ गए, मतलब वापस भारत आ गए, बट कब से, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आ गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात ही खत्म है, इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाली बात करेगा। तो अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर वो भारत आ जाते हैं वापस, तो क्या है, फिर से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी 6 महीने भारत में रहें और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बात है आर्टिकल नंबर 7। तो पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान बट रिटर्न्ड बैक, तो उनके राइट्स हैं सिटीजनशिप के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 8 जो हमारा कहता है, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल नंबर 8, तो आर्टिकल नंबर हमारा 8 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे लोग जो भारतीय हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल है, आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, तो उनके सिटीजनशिप के क्या राइट्स हैं। तो आम बात है उनके दादा परदादा कोई भी भारत में पैदा हुए हों और उसने अपने आप को रजिस्टर करा रखा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, दूसरी कंट्री की अगर नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी भी फॉरेन नेशन की क्या ले लें, नागरिकता ले लें, सिटीजनशिप ले लेंगे, तो भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप आपकी खत्म। इंडिया क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रखता, ना तो देश में ही ना फिर दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जिनके जो भी सिटीजनशिप के राइट्स दिए गए हैं वो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ राइट टू सिटीजनशिप सब्जेक्ट मैटर टू, ये वाला पॉइंट बाद में छिड़ा ला, सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई चेंज करती है तो कर सकती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 11 ऐसा कहता है। आर्टिकल नंबर कहता है 11 कि एक्विजिशन, टर्मिनेशन और बाकी सब चीजें, सिटीजनशिप से रिलेटेड हर चीज के लिए लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। तो सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। चलिए तो जितने ही आर्टिकल थे ये सारे आर्टिकल आपके कब तक के डील हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन से डील हो गए। बट हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 इसके बाद का सारा मामला कौन देखेगा, सिटीजनशिप एक्ट देखेगा 1955। तो अब हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो हम उसे पढ़ते हैं अभी अच्छे से। रुको,
तो अब हमारी बात आ गई किसके ऊपर, सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलिए तो आप देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसे अच्छे से समझते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये बात करता है एक्विजिशन, यानी किस किस को नागरिकता मिलेगी, टर्मिनेशन, किस किस की नागरिकता खत्म हो सकती है, कब, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये उससे पहले कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की भी बात करता था, ठीक है, बट उसे हटा दिया गया बाद में अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि क्या ये पहले कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात करता था, तो हाँ करता था। देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, कारण क्यों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया रिसेंटली उसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अभी तक 9 बार अमेंड हो चुका है। कब कब, 57 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015, 2019, तो 9 बार अभी तक अमेंड हो चुका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब बात करते हैं कि इसने बना रखा है क्या एक्विजिशन और टर्मिनेशन का, क्या बना रखा है कि किस तरीके से आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करता है, तो कह रहा है कि कितने तरीके से मिल सकती है। पहली मिल सकती है एक्विजिशन बाय बर्थ, क्या मिल सकती है, बाय बर्थ। सारी बात किसके बाद है भैया, ये बात ध्यान रखना, आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो पहली डेट क्या होगी, बाय बर्थ में बोल रहा है कि जो भी लोग 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए, और वहां से लेके 1 जुलाई, डेट्स याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, बट इस होती नहीं थी, बट इस बार के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस केवल, ठीक है, क्योंकि इस बार ये थोड़ा बर्थ वर्थ वाला प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 3 दिसंबर 2004, ये बात ध्यान रखनी है, उसके बाद आगे कर देते हैं। तो जो भी लोग 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, तो वो स्वयं अपने आप ही स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक तरीके से। परंतु किंतु लेकिन अगर 1 जुलाई 1987 से लेके 3 जुलाई 2004 के बीच में अगर पैदा होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके आइदर ऑफ पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, ठीक है, मतलब माता पिता में कोई भी हो भारतीय नागरिक, तो उसे क्या मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और 3 दिसंबर 2005 में, ठीक है, इसके बाद क्या है, बोथ, दोनों माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, अति अति आवश्यक है दोनों भारतीय नागरिक हों। किंतु परंतु लेकिन अगर मान के चलो किसी विदेशी से शादी कर ली किसी भारतीय लड़की ने, या फिर किसी लड़के ने भारतीय विदेशी महिला से शादी कर ली, तो वो तो भारतीय नागरिक है नहीं, तो क्या आगे वाली जो पीढ़ी है उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसमें ये कहता है कि अगर भाई शादी कर ली कोई दिक्कत नहीं, भारतीय नागरिकता मिलेगी, बट जो दूसरा बंदा जिससे तुमने शादी की है, ठीक है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला बाय बर्थ की बात करता है, हमने समझ लिया। दूसरा बात करता है बाय डिसेंट, ठीक है, बाय डिसेंट यानी पापा मैया के थ्रू, ठीक है, दादा पोता के थ्रू, ठीक। चले तो फिर से 26 जनवरी 1950 वही डेट, ऊपर वाली डेट यही रहेगी, 26 जनवरी 1950 से लेके सीधा आ जाइए आप, पढ़िए कौन सी तारीख पे आइए, 10 दिसंबर 1992। अब बोलो ये डेट्स याद रहे ना रहे, रहे तो ठीक, ना याद रहे तो कोई इतनी दुख लेने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। और लास्ट वाली डेट वही है 3 दिसंबर 2004, ठीक है, तो बीच वाली डेट थोड़ी बदल दी गई है, ठीक है। तो अब देखो अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक अगर भारत, अगर जो भी बच्चा हुआ है भारत का, मतलब जो भी है उसके फादर अगर इंडियन है, विदेश में हुआ है, तो वो क्या होगा, भारतीय नागरिकता उसे मिल जाएगी। 10 दिसंबर 1992 से बोथ, मतलब आइदर, मतलब माता पिता में से कोई भी एक भारतीय है तो भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और 3 दिसंबर 2004 के बाद नन, ठीक है, दोनों के भारतीय होने के भी बाद भी आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, आप उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते भारतीय कौंसिल के पास, जो भी भारतीय ऑफिस हो वहाँ पे, इंडियन ऑफिस हो,
वहां पे जब तक जाके आप उसका वो नहीं कराते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तब तक उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाय डिसेंट। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका जो ये कहता है, उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन। तो आप भारतीय नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन भी पा सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के। तो अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसके पास, गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के पास आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा तरीका है आपके पास बाय रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता मिलना। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं कि इसके थ्रू मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और 7 साल से भारत में, मतलब कभी भी भारतीय नागरिक थे और 7 साल से भारत में रह रहे हैं, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अगर आप किसी भारतीय से शादी कर ले और 7 साल से भारत में रह रहे हैं, तो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और कहीं पे भी किसी भी कंट्री बाहर रह रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडियन ओरिजिन यानी आप किसी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और बाहर रह रहे थे, ठीक है, तो वापस इंडिया आए तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोई भी इंडियन सिटीजन है उसके जो बच्चे हैं उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, और कोई भी पर्सन जो फुल एज और कैपेसिटी में है, पूरा बड़ा हो चुका है बच्चा, ठीक है, और उसके माँ बाप ने अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सब कुछ नहीं कराया, तो वो बाद में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपनी नागरिकता ले सकता है। ठीक है, आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ओसीआई कार्ड होल्डर जो है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर है, ठीक है, अगर उनके पास किसी के पास वो कार्ड 5 साल से है और वो 12 महीने से भारत में रह रहा है, तो उसे क्या मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो टोटल इयर्स कितने चाहिए उसको, 6 साल। ये पॉइंट एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बाकी ध्यान रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई खास बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से जो भी बंदे भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, शपथ लेनी होगी। ठीक है, ओथ लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फोर्थ तरीका, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, पूरी तरीके से घुल मिल जाना, पता ही ना चले कि ये विदेशी है। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है नेचुरलाइजेशन के लिए। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई आप उस कंट्री के बंदे होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए, जहां पे इंडियंस को नेचुरलाइजेशन से क्या नाम है, नागरिकता लेने से रोका नहीं जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, और आप अपने पुराने देश की नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार हो भारतीय नागरिकता पाने के लिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो पहले फुलफिल करनी चाहिए। अब उसके बाद क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर आप भारतीय किसी भी इंडियन कंपनी में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लगातार 12 महीने से भारत में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप तकरीबन 14 साल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप गुड कैरेक्टर का होना चाहिए बंदा, ठीक है, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, उसे 8th शेड्यूल की किसी लैंग्वेज का पता होना चाहिए, जो भी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज वो जानता हो। ठीक है, और उसकी इच्छा हो भारत में रहने की, इंटेंडेंट टू सेटल इन इंडिया। ठीक है, अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी सब पॉइंट्स भी ऐसे ही हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी ये कंडीशन है नेचुरलाइज सिटीजन की, इसमें से कोई भी कंडीशन चाहे तो हटा सकती है या सारी की सारी कंडीशन हटा सकती है। ठीक है, कुछ पर्सन के लिए जो कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस फील्ड में, फील्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए साइंस की फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, वर्ल्ड पीस के फील्ड में और ह्यूमन प्रोग्रेस के फील्ड में, अगर कोई इसमें है काम कर रहा है तो सारी कंडीशन हटाई जा सकती है या किसी एक कंडीशन को हटाया जा सकता है उसे सिटीजनशिप दिए जाने के लिए। अब ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्स इसमें नहीं है, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रख लेना, स्पोर्ट्स यहाँ पे भी नहीं है, राज्यसभा वाले में भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर किसी टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है इंडिया में, तो वो सारे लोग क्या हो जाते हैं, भारतीय नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में पॉइंट करते हैं आसाम अकॉर्ड। तो आसाम अकॉर्ड जो हुआ उसके कारण भारतीय नागरिकता किनको कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन है, ठीक है, इसको अभी हमें पढ़ना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही, बट इसे यहाँ पे भी कर ले रहे हैं। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो है, ठीक है, उसमें जो है अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है, उसमें यह बताया गया कि कौन कौन जो है बांग्लादेश से आसाम में आया, किस किस को भारतीय नागरिक माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स उन्होंने कहे, ठीक है, पहली चीज तो ये कही कि अगर फिर से एक तारीख ध्यान रखनी है, और ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, बाकी जितनी पीछे तारीख बोली मैंने आप ध्यान रखें चाहे ना रखें,
बट ये वाली डेट आपको ध्यान रखनी है 1 जनवरी 1966, ठीक है। और दूसरी डेट आपको ध्यान रखनी है 25 मार्च 1971। 66 भी ध्यान रखो, रखो मत रखो, बट 25 मार्च 1971 और 1971 तो कंफर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो कहता है असम अकॉर्ड जो हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू, उसमें ये कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश से भारत आए वो क्या है, भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर भारत आए और भारत में रह रहे हैं तो दे आर डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971, ठीक है, इसके बीच में अगर कोई भारतीय नागरिक, मतलब कोई बांग्लादेश से भारत आया है, ठीक है, कोई भी बांग्लादेश से भारत आया है तो वो भारत में, उसे भारतीय नागरिकता तो मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप तो मिल गई, ठीक है, बट बाय रजिस्ट्रेशन, उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्लस उसे जो ये नागरिकता मिलेगी डीम टू बी इंडियन सिटीजन, उसे 10 साल तक 10 ईयर्स तक क्या नहीं मिलेंगे, वोटिंग के राइट्स नहीं मिलेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होगा बट उसे क्या नहीं मिलेंगे, वोटिंग के राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तब इस वाले सेम पॉइंट को वापस अभी डिस्कस हमें करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, किसी बंदे की सिटीजनशिप जाएगी कैसे। तो सेम इसी तरीके से सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, सेम इसी तरीके से बात करता है कि किस तरीके से सिटीजनशिप जा सकती है। तो पहली बात है बाय रेनुंसिएशन, रेनुंसिएशन मतलब आप अपनी खुद की नागरिकता को छोड़ दें, ठीक है। दूसरा है बाय टर्मिनेशन, मतलब भारतीय गवर्नमेंट आपकी नागरिकता पूरी तरीके से खत्म करते हैं, ठीक है, बट ये किस कंडीशन में करेगी, ठीक है। अगर आप फ्रॉड के थ्रू नागरिकता पाए हैं, आप डिसलॉयल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, आप एनिमी नेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है सानिया मिर्जा सोहेब से बात कर रही है तो वो एनिमी नेशन से बात कर रही है, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके कारण देश को नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर अगर आपके रजिस्ट्रेशन के अंडर, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 5 साल के अंदर किसी भी कंट्री में आपको 2 साल की सजा होगी तो भी आपका क्या होगा, इसको खत्म किया जा सकता है सिटीजनशिप को, ठीक है। और अगर आप लगातार 7 साल बाहर से रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं इंडिया के, तो भी आपकी सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, 7 साल वाली, वो बाहर रह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप यानी सेंटर स्टेट दोनों की सिटीजनशिप की बात नहीं हुई है, बट इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, रेसिडेंस एज अ कंडीशन मानी जा सकती है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, ठीक है, और ये कौन लागू कर सकता है, पार्लियामेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पार्लियामेंट ने अभी तक इसे 2 स्टेट के लिए लागू कर रखा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बाकी स्टेट्स के लिए भी था बट अब खत्म हो गया, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब इसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, फिर से फंडामेंटल राइट्स का आ गया, तो आर्टिकल 15 डील करता है डिस्क्रिमिनेशन से, वहां पे हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की गई है बट रेसिडेंस की बात नहीं की गई है, तो स्टेट क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किसके ऊपर, रेसिडेंस के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है हर स्टेट अपने जो रेसिडेंट होते हैं उसके स्टेट के उन्हें स्पेशल प्रिविलेज देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो रोक लगाता है कि आप शेड्यूल ट्राइब एरिया में नहीं जा सकते, ठीक है, आम बात है, ये उनके बेनिफिट के लिए करा जाता है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बेसिकली नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने क्या किया, 2 तरीके के कार्ड होते थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारतीय मूल के हैं विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 2 तरीके के कार्ड मिलते थे जो बाहर रहते थे NRIs, इन दोनों तरीके के कार्ड्स के अलग अलग यूज थे, अलग अलग इनकी राइट्स थे, इन दोनों को मर्ज करके एक कार्ड बना दिया और उसका नाम रखा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा 2015 में ये किया गया, और ये कार्ड किन 2 कंट्रीज के लोगों को नहीं मिलता, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इंडियन ओरिजिन है उनको नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर इनको सिटीजनशिप लेनी है तो बाय रजिस्ट्रेशन ये ले सकते हैं, अगर ये कार्ड उनके पास 5 साल से है और एप्लीकेशन करने से पहले 12 महीने तक ये भारत में लगातार रह रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप का चैप्टर हमारा खत्म होता है, बट जो सबसे बड़ी न्यूज जो इस साल की है जिसके कारण ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, वरना तो केवल सिटीजनशिप के आर्टिकल पढ़ के ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है,
वो इस बार का लिए इस बार की न्यूज की वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और वो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अब इससे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा ये पढ़ना होगा। तो अब मैं जितनी बातें आपको समझाता चलता हूँ, आप समझते चलिए, नोट्स आपको रिलैक्सिंग स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ये एक्ट पब्लिश कब हुआ, 9 दिसंबर 2019 को। तो आपको कमेंट सेक्शन को मुझे बताना है कि 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड 9 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट क्यों है, ठीक है। तो कब ये पब्लिश हुआ, 9 दिसंबर को, और ये इंट्रोड्यूस किसने किया, अमित शाह जी ने किया, ठीक है। पास कब हुआ, पास हुआ ये 11 दिसंबर 2019 को। तो आपको अब मुझे ये बताना है कि 11 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट डेट है, उसमें क्या हुआ था 11 दिसंबर। तो कमेंट सेक्शन में 9 दिसंबर 11 दिसंबर की आप इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा आपका 10 जनवरी 2020 से इसे फोर्स में लाया जाएगा, ठीक है। और ये किसे अमेंड करता है, ये अमेंड करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, जो डील करता है एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। अब ये एक्ट कहता क्या है, ये एक्ट कहता है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, कहाँ कहाँ से, फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इन तीन कंट्रीज के जितने भी इस कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडिया आए हैं, जो इंडिया आ चुके हैं, कब से, हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर, मतलब 31 दिसंबर 2014। आपको तारीख ध्यान रखनी है कौन सी, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इंडिया आ चुके हैं, यानी इस तारीख या इस तारीख से पहले जो भी इंडियन आ चुके हैं, इस कम्युनिटी के लोग इन तीन कंट्री से, उन लोगों को क्या नहीं ट्रीट किया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं ट्रीट किया जाएगा। बात समझिएगा, क्या नहीं ट्रीट किया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो जब कोई इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं होगा तभी वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाएगा, डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं दी जा रही कि तुम भैया सिटीजन हो, ठीक है। बट अगर वो इलीगल माइग्रेंट ट्रीट किया जा रहा था अभी तक, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा तो अब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो दो कानून से अब उसे बचत मिल गई। पहला कानून है फॉरेनर एक्ट 1946, किससे, फॉरेनर एक्ट 1946, जो फॉरेनर्स की आवाजाही पे, मतलब उनके देश में आने और जाने के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखता है, उससे रिलेटेड है। तो उससे इन्हें आज़ादी मिल गई, अब ये उस एक्ट के अंडर नहीं आएंगे। और दूसरा पासपोर्ट एंट्री एक्ट जो है 1920, उन्हें अब इसके अंदर भी पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई, मतलब हर एक फॉरेनर को जो पासपोर्ट लेके साथ घूमना होता है उसकी भी आज़ादी मिल गई। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं रहे, इन दो एक्ट से इन्हें आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो जो 11 ईयर की रिक्वायरमेंट थी सिटीजनशिप की, उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, अगर ये 5 ईयर्स तक इंडिया में रह रहे हैं, तो 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, 1 साल 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, प्लस 1 ईयर एप्लीकेशन, ठीक है, लगातार रहने का, तो 6 साल के अंदर इन्हें क्या मिल सकती है, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये तो पहले से रह रहे हैं तो आराम से इन्हें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एक्ट है, कानून है, ये लागू नहीं होगा 6th शेड्यूल पे। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन स्टेट्स पे ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साथ साथ में, ये कानून, ये एक्ट अमेंडमेंट, ये लागू नहीं होगा किस पे, नहीं लागू होगा इनर लाइन परमिट एरियाज में। इनर लाइन परमिट एरियाज किस में डिफाइन किए गए हैं, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873। तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंडर जो भी इनर लाइन परमिट एरियाज हैं भारत में, वहां पे भी लागू नहीं होगा। तो इनर लाइन परमिट एरिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, तो इन तीन स्टेट में भी ये कानून लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मणिपुर जो इनर लाइन परमिट एरिया में नहीं था उसे भी अब ऐड कर लिया गया है, तो मणिपुर में भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं ऐड की गई हैं, जैसे हमने अभी ओसीआई कार्ड होल्डर पढ़ा, तो ओसीआई कार्ड होल्डर के कैंसिलेशन भी किए जा सकते हैं, उसके कार्ड का रजिस्ट्रेशन जो है उसका कैंसिल भी किया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, पहली होती है कि अगर उसने फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन कराया हो, ठीक है, 5 साल रजिस्ट्रेशन कराने के अंदर में किसी भी कंट्री में उसे 2 साल की सजा हो गई हो, ठीक है।
और भारत की सिक्योरिटी जो है और सोवेनिटी के लिए ये जरूरी है कि उस बंदे को उसकी कैंसिल कर दी जाए। तो ये तीन कंडीशन थी जिसपे ओसीआई कार्ड होल्डर के सिटीजनशिप की अपील को खत्म किया जा सकता था। अब इसमें एक और एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। वो ये किया गया है कि इफ ही वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का, और एनी अदर लॉ मेड बाय और नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भी उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक और ऐड की गई है कि उसे राइट दिया गया है उसकी बात कहने का। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई शुड नॉट पास टिल ओसीआई कार्ड होल्डर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो उसे एक बात अपनी कहने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, उसी के बाद ही उसका कार्ड खत्म किया जाएगा। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपका केस में इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मेन कंसर्न हमारा आता है कि सबसे बड़ा कंसर्न क्या है। सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा आसाम एकॉर्ड। क्या है? आसाम एकॉर्ड कब हुआ था? 15 अगस्त 1985। किसके किसके बीच में? आसाम गवर्नमेंट में जो भी वहां पे लोग थे, और दूसरा राजीव गांधी के समय। तो ये बात आपको ध्यान रखनी किसके टाइम होता है, राजीव गांधी के समय में हुआ था। ठीक है, और इसमें कहा गया था किसी भी तरीके के इलीगल माइग्रेंट्स को भारत में यानी आसाम में एंट्री नहीं की करने दी जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और क्या नाम है कि किसी भी रिलीजन को, बस ये ध्यान रखिएगा मेन रिलीजन ही था कि माइग्रेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हेडिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, बांग्लादेश टू आसाम मेनली, अगर बांग्लादेश से आसाम में कोई भी आता है किसी भी रिलीजन का, तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी आफ्टर, वहां पे हमने डेट की थी 25 मार्च 1971। तो 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी भारत आता है किसी भी रिलीजन का हो, तो उसे क्या होगा? भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो डेट क्या है? 25 मार्च। अब देखो यहां पे मजा सारा यही है। ये थोड़ा यही आप ध्यान रखिएगा, यही मेन थोड़ा प्रॉब्लम का पूरा गढ़ है। जो प्रॉब्लम है वो यही है, प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रहा है 25 मार्च 1971 के बाद कोई भी अगर बांग्लादेशी आता है तो उसे रिलीजन के हिसाब से, किसी भी रिलीजन का हो, उसे क्या नागरिकता नहीं दी जाएगी। बट यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कर रहा है, ये कह रहा है 31 दिसंबर रिलीजन के आधार पर इसने कर दिया। ठीक है, जो भी भारत आए हैं उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, जो ये कह रहा है इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, और उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो यही दोनों डेट्स के कारण सब कुछ अब ये सारी दिक्कत है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट का कहना था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें इसके बारे में कही, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा, एक हिस्ट्री का पॉइंट है थोड़ा ध्यान रखिएगा, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने नेहरू, मेनली पाकिस्तान, नेहरू लियाकत पैक्ट, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश भी किसका, पाकिस्तान का पार्ट था, नेहरू लियाकत पैक्ट 1950, इसको सही से नहीं इम्प्लीमेंट किया किसने, पाकिस्तान ने, किसका था ये, माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन का था। ठीक है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, और उसका जवाब आपको देना है, और बहुत प्यारा सवाल है और बहुत प्यारा जवाब आप देंगे। ठीक है, आपको ये बताना है, और हम ये कर चुके हैं, ठीक है, आपको शायद पता होगा कि हम लोगों ने जितने भी अमेंडमेंट हैं, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं पहले ही। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिंपल मेजॉरिटी होती है, उसमें किन किन चीज़ों को किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ठीक है, और उसमें बताया था मैंने किन किन चीज़ों को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज किया जाता है। नेक्स्ट एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, तो इसमें भी बताया था कि किन किन चीज़ों को इसके थ्रू चेंज किया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, माय क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, जो आपको बताना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, ये जो बिल होगा, ठीक है, इसका जो बिल होगा, उस बिल को किस मेजॉरिटी के थ्रू पास कराया गया होगा। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ आफ्टर स्टेट। तो दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है, सो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कहाँ दें, कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, चलिए,
ये तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी सिटीजनशिप की क्लास खत्म होती है, ठीक है। पूरा सिटीजनशिप हमने खत्म कर लिया और करंट का जो मेन सेक्शन था वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। तो आप उस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दें। अब दूसरी बात हम लोग जो कर रहे हैं कि जो 5 तारीख को आपका क्या है स्पेशल क्लास जो होने वाली है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा जो स्पेशल क्लास आपकी जो होने वाली है उसमें आपका पॉलिटी का MCQ होगा Part 1, जिसमें हम अभी तक के प्रीएम्बल से लेके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेलियंट फीचर, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सिटीजनशिप के भी मिल जाएंगे, ठीक है, सिटीजनशिप की मिल जाएगी। प्लीज़ पार्ट्स जो किराए थे, पार्ट्स और आर्टिकल्स को अच्छे से कर लेना, मैंने कहा था खुद करना है आपको, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड यहाँ पे पूरी MCQ होगी, ठीक है, 350+ क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत होगा। ध्यान रखिएगा कितने बजे, सुबह 7 बजे, 7 AM। तो आपके पास 4 तारीख का दिन है, कल का पूरा इसे खत्म कर लीजिए। नेक्स्ट हम 2020 जून के पूरे करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे 10:30 पे, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट रात को 10 बजे 10 PM पे हम लोग करेंगे अपना क्या यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो हमारा नेक्स्ट आगे शुरू ही होने वाला था, ठीक है। तो अभी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स और बाकी सब चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स और ये सब, इन सबको हम यहाँ पे चलते रहेंगे अपने यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे, और ये जो बाकी सब चीज़ें हैं ये सब हमारा होगा किस पे, हमारे इस वाली स्पेशल क्लासेस में इन्हें हम करते रहेंगे। तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड अदर थिंग, एंड दिस इज माय कोड आलोक YT, जिसे आप यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।